एक वक्त था जब कर्नाटक में चन्नापटना के लकड़ी के खिलौनों का हर कोई मुरीद था। 225 साल पुरानी ये विरासत और इसकी लोकप्रियता हर किसी का मन मोह लेती थी। गुजरे वक्त में खूब चलने वाला ये उद्योग अब चीन और जापान के सस्ते नायलॉन, प्लास्टिक और फाइबर के खिलौनों का शिकार हो गया है। एक्सपोर्ट होता था आइटम हमारा, बाहर एक्सपोर्ट होता था आइटम, एक्सपोर्ट स्टॉप हो गया। अभी जो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, अभी एक्सपोर्ट होने के लिए हमारा वो पूरा स्टॉप कर दिया ना, हमारे को बहुत प्रॉब्लम हो गया। अब हमारा 20,000 से 25,000 तक हमारा वर्कर्स था, हमारे वर्कर्स को भी 20-25,000 में जो आदमी को फैसिलिटी मिल रहा तो काम छोड़ के दूसरा काम को जा रहा है। हमारे बच्चों को काम सिखाने के लिए तो कुछ भी फैसिलिटी दे रहा तो करना पड़ेगा, लेकिन मतलब क्या है तो एक इंश्योरेंस नहीं है। पुराने समय से खिलौनों को बनाने में काम आने वाली सिल्वर वुड, पाइन वुड, रबर वुड और चंदन की लकड़ी को खरीदने में बढ़ता खर्च कारीगरों की मुश्किलों में इजाफा कर रहा है। तकरीबन 500 रुपये कमाते हैं, उसमें अब पूछे तो लकड़ी का 50 रुपये निकालो, रंग का या करंट का 150 निकल जाता है, उसमें हम आगे नहीं बढ़ते। तो सवाल ये रहा लकड़ी का, ये काम जो फर्स्ट क्लास है, खूबसूरत है, अच्छा है, पेट को खिलाता है पिलाता है, लेकिन इसे मजबूरी क्या है तो हम लड़कियों की शादी करने पीछे खर्च दर में पड़ जाती, उसमें हम आगे नहीं बढ़ते। किधर बेचना, कैसा बेचना, वो कोई भी बताता नहीं हमारे को। अभी हमें 10 रुपये को इधर बेच दिया तो अभी वो आता है, वो जो परचेस करता है उन्हें उसको लाइन मालूम रहता है, उन्हें जाके उन्हें 10 का माल 50 को बेचता है, उन्हें पैसा मुनाफा कमाता है, उसका सब अच्छा होता है, जो मेहनत करता है उसका कुछ भी नहीं मिलता। इस मुश्किल वक्त में शिल्पा ट्रस्ट जैसे संगठन पारंपरिक शिल्प को पुनर्जीवित करने के लिए इन कारीगरों के साथ काम कर रहे हैं। थ्रू अवर ट्रस्ट वी आर प्रोवाइडिंग डिजाइन इनपुट, मार्केटिंग फैसिलिटीज एंड सैम्पलिंग, मार्केटिंग मोटिवेशन ट्रेनिंग्स, स्किल ट्रेनिंग्स लाइक दैट, एंड लुकिंग आफ्टर देयर हेल्थ एंड लाइफ कंडीशंस आल्सो। गैर सरकारी संगठन सरकारी हस्तशिल्प पार्क में सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं। कारीगरों का फोकस अब अपने कारोबार की स्थिरता पर ज़्यादा है। दूधी लकड़ी इज अ वेरी मच सस्टेनेबल वुड है, बिकॉज लास्ट फ्रॉम 250 ईयर्स वी आर यूजिंग द दूधी लकड़ी फॉर मेकिंग टॉयस, वी आर इट इज ग्रोइंग प्लेंटी एंड गेटिंग ईजीली बिकॉज द वुड इटसेल्फ सस्टेनेबल। If we cut one branch, more branches will come. एक लोकप्रिय निर्यात वस्तु होने के अलावा चन्नापटना खिलौने कावेरी एम्पोरियम में एक शोकेस आइटम भी है जो कर्नाटक की खास पहचान है।